नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट, मैं हूँ रंजना। झारखंड का टैग पिछड़ापन से जरूर रहा हो, लेकिन झारखंड इन दिनों मॉडलिंग में भी अपना नाम विश्व के पटल पर रख रहा है। इस वक्त बात करेंगे, विधानसभा में ही मॉनसून सत्र जारी है, इस वक्त मेरे साथ बात करेंगी मैम, अपना पूरा परिचय दीजिएगा। पूरा चलते चलते भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपने दर्शकों के जोहार झारखंड, नमस्ते इंडिया। मेरा नाम एंजल मरीना तिर्की है और मैं नामकुम की रहने वाली हूँ, और मैंने 10 सालों के बाद इंडिया को पहली बार क्राउन दिलाया है मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 में। ये हमारे लिए झारखंड के वासी, मैं एक झारखंड की बेटी हूँ, हमारे लिए एक लेगेसी क्रिएट है, क्योंकि आज तक कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कोई भी आदिवासी लड़की नहीं गई है। और मैं अपने आप को डेडिकेट करती हूँ कि मैं एक आदिवासी तो ज़रूर हूँ, बट मैं एक झारखंड की बेटी हूँ। एक प्लेटफॉर्म में जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वर्षों से तैयारी किया था, इसमें जाने का सपना था आपका? जी, पिछले 6 सालों से मैं ये तैयारी कर रही हूँ। 6 सालों से मैंने काफ़ी नेशनल जगह पर जाकर के रिप्रेजेंट किया अपने आप को। फॉलो किससे करती? मैंने अपनी लाइफ की जो स्टोरी है, मैं फॉलो की प्रियंका चोपड़ा को देख करके, क्योंकि मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। उन्होंने मिस वर्ल्ड का भी टैग जीता था, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे किताब जीता था मिस खादी इंडिया का, फिर मैंने जीता मिस झारखंड, फिर मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस, फिर मैं इंटरनेशनली गई। लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन था, कितने कंट्री के उसमें सुंदरियाँ आई? 30 देशों की सुंदरियाँ वहाँ पे आई हुई थी, और सब अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट वहाँ पे कर रही थी। रशिया हो गया, USA, जमैका, नीदरलैंड, सारे लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेड। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया थी हमारी वहाँ पे 7 दिनों की पैजेंट्स थी। ये हम बोलते हैं, विशेषकर इसे बोला जाता है ब्यूटी पैजेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। 7 दिनों का पैजेंट था, हमें PI राउंड्स होती थी, कुछ प्रोजेक्ट्स दी जाती थी, साथ ही साथ हम सोशल इशू पे काम करते हैं। मैं सोशल इशू वर्कर भी हूँ, मैं ऑटिज्म स्टूडेंट्स के ऊपर मैं वर्क करती हूँ, साथ ही साथ चाइल्ड एम्पावर करती हूँ। क्या है एजुकेशन रहा है आपका, बैकग्राउंड क्या है एजुकेशनल? जी, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से 12th किया है, और जी मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से 12th परस्यू किया है मैंने, और अभी आमिट यूनिवर्सिटी रांची से मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, और MBA में परस्यू कर रही हूँ। ये बताइए, ये सब करते हुए भी आप अपना एजुकेशन कैसे कंप्लीट करते हैं? इसे बोला कहा जा सकता है टाइम मैनेजमेंट। मुझे मेरे डैड एक आर्मी ऑफिसर है, तो मैं उन्हें देख देख करके सारे टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, एक डिसिप्लिन वे कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने टैकल किया है, सारी चीज़ों के अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है। पूरा क्रेडिट किसे जाता है आपको यहाँ तक पहुँचाने? मैं अपने पेरेंट्स को पूरी तरीके से क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज आजकल हम सारे लोग देखते हैं कि फैशन और इंडस्ट्री की दुनिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट एक शुरू से मेरे फादर और मदर इन सारी चीज़ों को लेकर के फैमिलियर है, उन्होंने ऑलवेज मेरा सपोर्ट किया है। किस किस में आपको बेस्ट ग्रेड मार्क्स मिला आपको? मुझे मिस स्टाइलिश का अवार्ड मिला, और बेस्ट रैम वॉक का अवार्ड मिला, मिस बेस्ट PI राउंड मिला, एंड सबसे बड़ी बात कि मैंने शो को जीता मिस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड 2022। आज विधानसभा किससे मिलने आई? मैं अपने मिनिस्टर से मिलने के लिए आई थी, मिस्टर ऑनरेबल हमारे मिस्टर हेमंत सोरेन जी से मैं मिली। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों को लेकर के गाइड किया, और उन्होंने हमें बोला कि इंडिया को और भी स्तर में मैं यहाँ की लड़कियों की मदद करूँ, कि मैं उन्हें बताऊँ कि ये फील्ड होता क्या, और मैं आगे जा कर के उनका सपोर्ट करूँ। लड़कियाँ जो झारखंड की बेटियाँ सोचती हैं कि मॉडलिंग में करियर नहीं है, स्टाइल करने से टाइम बर्बाद होता है, उन्हें आप क्या सीखें? मैं ये बोलना चाहूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में ऑलवेज फॉलो किया कि नेवर गिव अप। अगर आप अपने आप को गिव अप कर दिए, तो आपको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ लोग कोई भी नहीं रहेंगे। हमेशा आपने जो भी आपकी इच्छा है, जो आप बनना चाहते हैं, वेदर इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग और एक्टिंग और कुछ भी बनना चाहे, आप उस चीज़ में हमेशा फोकस रहे और पेशेंस रहे, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 6 सालों से इन चीज़ों का मेहनत कर रही थी, और फाइनली सवाल पूछा गया था आपसे। जी ज़रूर, मुझे बोला गया था कि मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, अपने झारखंड की खासियत बताइए, तो मैंने बताया कि झारखंड हमारे जो राज्य है वो जाना जाता है एक ट्राइबल कल्चर कस्टम को लेकर। हमारा ये राज्य फेमस बहुत ही ज़्यादा वेदर को लेकर है, वाटरफॉल से जाना जाता है। तो आपने सुन लिया किस तरीके से, हालांकि एक बार मेरे दर्शकों आप वॉक करके भी दिखा सकती हैं, ये देखिए आपको वॉक करके दिखाएंगी, और वॉक करते हुए आपको ये पूरी तरीके से दिखाएंगे। देख लीजिए किस तरीके से झारखंड की बेटियां खेल में अपना नाम रोशन करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये आप देखिए विधानसभा में ये CM हेमंत सोरेन से मिलकर आई हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बेटियां झारखंड की हों, वो अगर मॉडलिंग में जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं, लेकिन उनका घर से सपोर्ट ज़रूर चाहिए। घर का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अभी मैं देखती हूँ मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं कि उन्हें घर से सपोर्ट तो नहीं मिलता है, बट तब भी वो बाहर है, बट एक जो बोलते हैं कि हमें एक पिलर चाहिए सपोर्ट करने के लिए, फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेंटली भी हैंडल करनी होती है, फिजिकली भी हैंडल करनी होती है। तो फैमिली, मैं सारे दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, अगर मॉडलिंग और इंडस्ट्री को लेकर अगर नेगेटिविटी है, तो वो चीज़ें बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है, अब ये हमारा एक नया देश है। सारी चीज़ों को बोला था कि हम ये इस करियर में जाएंगे, तो घर वाले मना नहीं किए थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी मैं और मेरी छोटी बहन है, वो अभी BSc बायोटेक परस्यू कर रही है, तो फैशन से लगाव नहीं है?
नहीं, उसे डॉक्टर बनना है, तो वो उस चीज़ों के लिए मेहनत कर रही है। और मुझे हमेशा से, मैं जब छोटी थी तब से मैं पोस्टर्स को देख करके मम्मी को बोलती थी, मम्मी मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये मेकअप पसंद है। मैं मम्मी की मेकअप थिंग्स को लेकर लगाती थी, तो मुझे शुरू से इस चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है। एंजेल मार्केल तिर्की साफ तौर पर अपनी सारी बातों कह दी, घर का पूरा सपोर्ट इन्हें मिला और फिलहाल ये झारखंड का नाम रोशन कर रही है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।